आज हम इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन करेंगे। तो ये जो हम डेरिवेशन करने जा रहे हैं ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए वैलिड रहेगा। कांस्टेंट एक्सेलरेशन, जो एक्सेलरेशन रहेगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट। उसके लिए हम इक्वेशंस का डेरिवेशन करेंगे। ये हम तीन मेथड से करके बताऊंगा। फर्स्ट होगा ग्राफिकल मेथड, सेकंड है डेफिनेशन से कि डेफिनेशन वाइज हम कैसे डिराइव कर सकते हैं, और थर्ड है कैलकुलस मेथड, कैलकुलस का यूज़ करके हम कैसे इन इक्वेशन को डिराइव करते हैं। ठीक है, तो बिफोर स्टार्टिंग दिस प्रोसेस वी नीड टू नो सम टर्मिनोलॉजीज। सो वी आर डिनोटिंग यू यू एज इनिशियल वेलोसिटी, वी एज फाइनल वेलोसिटी, और द वेलोसिटी एट टाइम टी इज वी। वी हैव स्टार्टेड द मोशन एट टाइम इज इक्वल टू 0 सेकेंड्स, विच इज नोन एज एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम द वेलोसिटी इज इनिशियल वेलोसिटी, एंड आफ्टर सम टाइम टी द फाइनल वेलोसिटी इज गिवन बाय सिंबल वी, एंड टी इज ऑफ कोर्स टाइम, ए इज एक्सेलरेशन एंड एस इज डिस्प्लेसमेंट। ऑल्सो वी आर यूजिंग एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी विच इज इक्वल टू यू प्लस वी बाय टू। ठीक, सो हम ये सब चीज़ें यूज करके हमारी जो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको डिराइव करेंगे। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट फर्स्ट बाय ग्राफिकल मेथड। सो व्हाट ग्राफिकल मेथड से इज, ये ग्राफिकल मेथड हम स्टार्ट कर रहे हैं। हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ का यूज करेंगे। दिस इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। लेट अस टेक द वेलोसिटी एट टाइम टी इज इक्वल टू 0 वी यू, एट एन एनी टाइम टी वी टेक वेलोसिटी वी। ये पॉइंट क्या है, प्रोजेक्शन बताएगा कि इस एक्सिस पे वेलोसिटी क्या है, और ये पॉइंट बता रहा है कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है। दिस विल बी एंगल थीटा एंड मैग्नीट्यूड ऑफ दिस विल बी वी माइनस यू, बिकॉज यहाँ से यहाँ तक वी है और यहाँ से यहाँ तक यू है, तो इतना बचा हुआ हो गया वी माइनस यू, और ये हो गया आपका यू और ये हो गया टी। ठीक है, तो फर्स्ट हमको पता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का हम स्लोप निकालते हैं तो वो एक्सेलरेशन के बराबर होता है। ठीक है, तो इस ग्राफ का हम स्लोप निकालते हैं इस लाइन का, तो स्लोप विल बी इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी एक्सेलरेशन। सो वी माइनस यू इज इक्वल टू ए टी एंड वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये हम पहले भी इसको डिराइव कर चुके हैं, इसे बोलेंगे हम वेलोसिटी टाइम रिलेशन। दिस इज वेलोसिटी टाइम रिलेशन। ठीक है, और ये तो फर्स्ट हो गया स्लोप, हमें बताता था कि स्लोप वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एक्सेलरेशन बताएगा। अब एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें क्या बताता था, डिस्प्लेसमेंट। तो हम ये पूरा एरिया निकाल लेते हैं, ये एरिया। ठीक है, हम उसका पूरा एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ
सपोज इसको नाम दे दिया हमने ए बी सी डी ई, सो एरिया विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए सी डी ओ ई, ए सी डी ई, इसको रेड पेन से लिख देता हूँ, ये ए ये बी ये सी ये डी और ये ई, तो एरिया तो हो जाता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब ये वाला एरिया निकाल ले, तो ये ट्राइंगल है तो उसमें ट्राइंगल का एरिया लगेगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इसका टी के बराबर है क्योंकि ये रेक्टेंगल है तो अपोजिट साइड्स बराबर होगी और हाइट उसकी वी माइनस यू के बराबर है, तो एस इज इक्वल टू वी माइनस यू बाय टी प्लस हाफ इंटू सॉरी एस इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इज टी इंटू वी माइनस यू प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल यू इंटू टी। ठीक है, तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस वन बाय टू टी इंटू वी माइनस यू एंड फ्रॉम दिस रिलेशन वी गेट वी माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, तो वी माइनस की जगह ए टी पुट कर देंगे तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस वन बाय टू टी ए स्क्वायर इज इक्वल टू यू टी प्लस वन बाय टू ए टी स्क्वायर। ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन डेरिवेशन बाय ग्राफिकल मेथड। अब हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करेंगे, तो उसमें हम ग्राफिकल मेथड से क्या करते हैं, हम वही एरिया निकालेंगे पर इस बार हम ये पूरा एरिया निकाल लेंगे इस पूरे रेक्टेंगल का और उसमें से ये वाले ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे, पूरा रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे उसमें से ये वाला ट्रायंगल का एरिया ऊपर वाले अपर ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे। ठीक है, तो बराबर बना देता हूँ, ये वी हो गया ये यू हो गया ये थीटा और ये टी और ये v माइनस यू और ये u। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, पहले ये पूरा उसका एरिया निकालेंगे और उसमें से खाली ये वाला एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो भी वो एरिया अंडर द कर्व आएगा क्योंकि इतने में से इतना एरिया माइनस कर देंगे तो बाकी एरिया आ जाएगा, तो वो भी डिस्प्लेसमेंट के बराबर होएगा। तो डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू, पहले भार वाला एरिया निकाल लिया तो भार वाला एरिया विल बी इक्वल टू टी वी इंटू टी वी इंटू टी वी इंटू टी माइनस ये वाला एरिया हाफ इंटू बेस इज इक्वल टू वी माइनस यू एंड हाइट विल बी इक्वल टू टी। सो S will be equal to 2VT minus V, ये minus sign distribute हो गया, यहाँ पर U आ गया TT upon 2, so S will be equal to V plus U by 2 into T। ठीक है, और V is equal to U plus AT, so v माइनस यू बाई ए इक्वल टू टी, ये हमने टी की वैल्यू यहाँ पुट कर दी तो एस इज इक्वल टू वी प्लस यू बाई टू इंटू वी माइनस यू बाई ए। ठीक है, ये क्या हो गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी जैसा हो गया, तो ये फॉर्मूला बन गया ए माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सो S is equal to V square minus U square by 2A and V square minus U square is equal to 2A. This is third equation of motion.
तो ग्राफिकल मेथड से हमने तीनों इक्वेशन डिराइव कर ली है। अब हम डेफिनेशन से एक बार और ड्राइव कर लेते हैं, फिर मैं आपको कैलकुलस से एक और बार डिराइव करके बता दूंगा। यहाँ पर डेफिनेशन वाइज हम डिराइव कर लेते हैं कि डेफिनेशन से कैसे डिराइव होगी। ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या होता था, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब टाइम कितना लग रहा है, हमने कितना लिया कि वेलोसिटी को चेंज होने में टी टाइम लग रहा है यू से वी, तो वी माइनस यू बाय टी। तो ये फर्स्ट हो गई आपकी, वी इज इक्वल टू यू प्लस एट। इसको अरेंज करेंगे तो वापस यही इक्वेशन आ जाएगी, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये फर्स्ट हो गया सेकेंड। तो हमें पता है एवरेज वेलोसिटी किसके बराबर होती है, यू प्लस वी बाय टू। और ये और किसके बराबर हो जाएगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो फर्स्ट हम यूज करते हैं वी बाय टू बाय टू, टोटल डिस्प्लेसमेंट हमने मान लिया एस और टाइम लग रहा है टी। ठीक है, तो एस विल बी इक्वल टू वी प्लस यू बाय टू इंटू टी। अभी हम टी की जगह, टी की जगह तो नहीं, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी पुट कर देते हैं। इसको मैं ए नाम दे देता हूँ ये इक्वेशन को। इसमें ने क्या पुट करा, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो एस इज इक्वल टू यू प्लस ए टी प्लस यू इंटू टी डिवाइडेड बाय टू। सो एस विल बी इक्वल टू 2u प्लस ए टी इंटू टी डिवाइडेड बाय टू। वे टी अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, एस इज इक्वल टू 2ut प्लस ए टी स्क्वायर बाय टू होल डिवाइडेड बाय टू। अब 2 को डिवाइड कर देता हूँ, तो यहाँ पर ut हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 1 बाय टू ए टी स्क्वायर। तो ये आपकी हो गई सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब थर्ड, हम यही इक्वेशन का यूज करते हैं, एस इज इक्वल टू वी प्लस यू बाय टू इंटू टी। अब टी की जगह हम पुट करेंगे वी माइनस यू बाय, ये पुट करा यहाँ पर, तो एस इज इक्वल टू वी प्लस यू बाय टू इंटू वी माइनस यू बाय। इसको सॉल्व करा तो ये वापस फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, तो एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय टू ए। सो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस। ये आपकी फर्स्ट हो गई, ये आपकी सेकेंड हो गई और ये आपकी थर्ड हो गई डेफिनेशन से। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ कि कैलकुलस से हम कैसे ये निकालेंगे। ठीक है, कैलकुलस से निकालने के लिए बाय कैलकुलस, हमें पता है कि कैलकुलस एक्सेलरेशन हमने क्या डिफाइन करा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हमने निकाली थी। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज अ डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मीन्स ए इज इक्वल टू dv by dt। ये हमने इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला देखा था। अब हमारे केस में यहाँ पर हमने एक्सेलरेशन को क्या माना है, कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो हम इसको अरेंज कर देते हैं, तो ये हो गया ए डी टी इज इक्वल टू dv। ठीक है, अब ये डिफरेंशियल चेंज में है तो वी नीड टू इंटीग्रेट, तो हम इंटीग्रेट इसको बोथ साइड पे करेंगे। शुरू का टाइम मान लिया जीरो, यहाँ पर वेलोसिटी थी यू, यहाँ पर टाइम मान लिया टी, यहाँ पर वेलोसिटी थी वी, तो ए इज इक्वल टू टी, डी टी का इंटीग्रेशन टी हो जाएगा और डी वी का वी हो जाएगा वी यू। इसको सॉल्व करा तो ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, सो वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये बाय कैलकुलस मेथड। ठीक है, अब ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकंड इक्वेशन
सेकंड इक्वेशन में हम एक्सेलरेशन हमें पता है डीवी बाय डीटी, ठीक है। अगर अगर हम इसमें अगर हम इसमें लेट्स हम हमको ये पता है वेलोसिटी इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो डीएस विल बी इक्वल टू वी डी टी, और वी की जगह हम ये पुट कर देते हैं यू प्लस एटी इस इक्वेशन में, तो डीएस विल बी इक्वल टू यू प्लस ए टी डी टी, इसको इंटीग्रेट करा, ये यू डी टी हो जाएगा प्लस ये ए टी डी टी, इसको इंटीग्रेट करा, शुरू वाला डिस्प्लेसमेंट हमने मान लिया एस वन एस टू से, ठीक है, और ये टाइम के रिस्पेक्ट में है तो शुरू का टाइम ज़ीरो था, यहाँ पर टाइम टी, यहाँ पर भी टाइम ज़ीरो, यहाँ पर टाइम टी, तो इसको सॉल्व करा तो एस आया एस टू माइनस एस टू एस वन, लिमिट हमने पुट कर दी, और यहाँ यू टी टी ज़ीरो से टी, और यहाँ वन बाय टू ए टी स्क्वायर टी ज़ीरो, ओके। अब हमने लिमिट पुट कर देते हैं, इंटीग्रेशन हो गया, तो यहाँ एस टू माइनस एस वन विल बी इक्वल टू यू टी प्लस वन बाय टू ए टी स्क्वायर, अब दिस विल बी इफेक्टिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, सो वी विल कंसिडर इट एज एस, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस वन बाय टू ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपकी दो इक्वेशन हमने प्रूव कर लिए, अब हम थर्ड इक्वेशन की ओर बढ़ते हैं। देखिए एक्सेलरेशन हमने देखा था डीवी बाय डीटी, ठीक है, अब हम इसमें दोनों में डीएस बाय डीएस को मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, मतलब डिफरेंशियल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट टू द डिफरेंशियल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करने से इसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई में तो इसको चेंज कर देना तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ए इज इक्वल टू डी वी बाय डी एस इन टू डी एस बाय डी टी, और अभी हमको पता है कि वेलोसिटी डी एस बाय डी टी के बराबर था, डिफरेंशियल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट टू द डिफरेंशियल चेंज इन टाइम एट दैट टाइम ऑफ इंस्टेंट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है, तो डी एस बाई डी टी की जगह हम वी पुट कर देंगे, तो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू डी वी बाई डी एस इंटू वी, अब इसको हम यहाँ पर ले आते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो डी वी वी डी वी विल बी इक्वल टू ए डी एस, नाउ वी नीड टू इंटीग्रेट दिस, सो इनिशियल उसका डिस्प्लेसमेंट हमने मान लिया एस वन, और फाइनल डिस्प्लेसमेंट उसका था एस टू, मतलब इनिशियल पोजीशन उसकी एस वन थी और फाइनल पोजीशन थी उसकी एस टू, तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी ले ली हमने यू, और फाइनल वेलोसिटी विल बी वी, ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा वी स्क्वायर बाय टू के बराबर, और लिमिट क्या रहेगी वी से यू, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा एस के बराबर, और लिमिट क्या रहेगी एस टू से एस वन, इसको सॉल्व करा तो क्या आएगा वी स्क्वायर by 2 minus u square by 2 is equal to a into s2 minus s1. Up this will be effectively we consider it will be this difference will be equal to s. Okay. So s will be equal to s2 minus s1. So a into s will be equal to v square minus u square by 2. V square minus u square is equal to 2 a s. तो हमने तीनों तरीके से ये हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव कर लिया है, और ये इक्वेशन जब वैलिड रहेगी जब एक्सेलरेशन हमारे जो दी जाएगी हमें वो कांस्टेंट हो, अगर वो एक्सेलरेशन टाइम डिपेंडेंट
टाइम डिपेंडेंट हो या पोजीशन डिपेंडेंट हो, तो उस कंडीशन में हमें ये कैलकुलस से उसकी वेलोसिटी एक्सेलरेशन सब हमको उस कैलकुलस से निकालनी पड़ेगी। जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और वेलोसिटी हमने निकाली है जो हमने, तो उसी से हमको उसके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ये मेथड से तभी हो पाएंगे जब एक्सेलरेशन हमें कॉन्स्टेंट दिया हो। ठीक है, तो ये अभी आपका इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया। इसके बाद हम मोशन एंड वर्टिकल मोशन पढ़ेंगे और आगे आगे थोड़ा सा और बचा, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बचा अभी। और बस, और आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए और आप सब्सक्राइब कीजिए, आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो। ठीक है, ओके, थैंक यू।